खबरों में बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और इस दौरान कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 23 में से 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें प्रमुख रूप से नई औद्योगिक निवेश नीति और बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग को महानिदेशक स्कूली शिक्षा के अधीन करना है। इसके साथ ही 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए भी हरी झंडी दे दी गई है। प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी है। इसमें अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी को भी गति मिलेगी और इस नीति को लखनऊ में वर्ष 2023 में 10 से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि आशय पत्र निर्गत किए जाने को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है और इसके अलावा निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने को मंजूरी मिल चुकी है। इसी के तहत जेएसएस विश्वविद्यालय नोएडा की स्थापना के लिए भी आशय पत्र जारी करने पर सहमति बनी है। योगी सरकार ने सिंचाई परियोजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। सिद्धार्थ नगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की जमीन उपलब्ध कराने को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही कन्हर सिंचाई परियोजना के तहत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी मिली है। तो वहीं वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण के संबंधी परियोजनाओं के लिए मंडल आयुक्त कार्यालय परिसर वाराणसी स्थित राजस्व विभाग की जमीन को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है। इसके लिए आवास एवं शहर नियोजन विभाग ने निवर्तन और निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने से संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी